हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गर्मियों का सीज़न आ चुका है और भयंकर इस गर्मी में जो है अपने शरीर को जो है हमें हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, और ऐसे में जो है नींबू हमारे लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। नींबू को हम कई तरीके से जो है यूज़ करते हैं और दिन भर के लिए जो हमारे शरीर को जो है विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा जो कर सकता है वो नींबू कर सकता है। लेकिन नींबू पानी बनाने का सही तरीका भी सही होना चाहिए, जिससे हम पूरा नींबू का जो है फ़ायदा अच्छी तरह से ले सकते हैं। नींबू का उपयोग करने से जो है जुकाम सर्दी नहीं होता है, और एक नींबू अगर आप रोज़ यूज़ करते हैं तो एक नींबू से जो है दिन भर में जो है हमारे शरीर को जितनी विटामिन सी की ज़रूरत होता है उसको वो पूरा करता है। नियमित रूप से अगर नींबू पानी पीते हैं तो शरीर में जो है कभी पानी की कमी नहीं होती है। नींबू पानी जो है पाचक की शक्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ जो है ये पाचन क्रिया को और तेज़ी से जो है ठीक करता है, और किसी भी तरह के अपच को जो है पेट के अपच को उसको जो है ख़त्म करता है। साथ ही जो है नींबू के नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैंसर जैसी बीमारी को भी जो खतरा को भी जो है ये कम करता है। तो एक गिलास नींबू पानी आपको बनाने के लिए किस तरह से आपको नींबू का यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि इसमें नमक या चीनी को साइड में अवॉइड कीजिए। स्वाद के लिए नमक वाला हम बना लेते हैं या चीनी वाला, शुगर वाला, मीठा वाला बना लेते हैं, लेकिन नींबू पानी अगर बनाते हैं सही तरीके से, हेल्दी नींबू पानी अगर आपको चाहिए पीना है तो उसमें ना ही नमक डालें और ना ही जो है चीनी का यूज़ करें। तो सबसे पहले एक नींबू लेना है, उसको धो लेना है। धोने के बाद से उसकी ऊपरी परत को, मतलब जो है पीला या हरा जो भी आपको कलर के नींबू मिले, उसको थोड़ा सा हमें ग्रेट कर लेना है, उसके पील कर लेना है, ऊपरी भाग को निकाल के उसको रख लेना है, और नींबू को जो है बीच से काट कर उसे अच्छे से निचोड़ लेना है, और निचोड़ने के बाद जो आपने पील करके रखा है नींबू का ऊपरी भाग वो भी उस पानी में ऐड कर देना है। और पानी भी जो है ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में आप जो है, क्योंकि गर्मी में है, गर्मी में जो है गर्म पानी से लगती है कि जैसे प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे में जो है आप थोड़ा सा जो है ठंडा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पी सकते हैं। डालने के बाद से उसे मिक्स कीजिए और रोज़ाना जो है आप इसे सुबह में जो है खाने से पहले जो है पी सकते हैं, और रात को भी जो है आप खाने के बाद जो है पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी नहीं होती, आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, और सुबह के समय में जो मोशन आपका होगा वो भी बिल्कुल, पेट जो है बिल्कुल साफ होगा और बिल्कुल आप हल्का महसूस करेंगे। तो इस तरह से नींबू पानी आप बनाइए, और स्वाद के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शहद जो है ऐड कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वजन को कम करने में ये बहुत मददगार होता है। तो अगर नींबू को जो है थोड़ा सा गर्म पानी आप लेके उसमें नींबू निचोड़ के, इसी तरह से नींबू का पल्प जो ऊपर वाला थोड़ा सा जो है स्किन को निकाल के उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद से जो है उसमें थोड़ी सी शहद की मात्रा मिलाकर जो है अगर आप पीकर उसके बाद जो है अगर आप कोई योगा करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इससे कई गुना ज़्यादा जो है आपकी स्किन में चमक भी आएगी, आपकी त्वचा में चमक आएगी, साथ ही साथ जो है आपका पेट का हाजमा, पेट के इससे जुड़ी सारी बीमारियां वो भी दूर होंगी, और आपको कई तरह से जो है आपको वजन कम करने में जो है ये मददगार साबित होगा। तो आज थे ये नींबू के कुछ फ़ायदे और नींबू से जुड़े कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा आई होप, और आप सब भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते ये उनके लिए भी वीडियो है, जो जानते हैं उनके लिए भी वीडियो है कि आप जो है फिर से जो है नींबू को कहीं अगर भूल चुके हैं तो नींबू को आप यूज़ करना शुरू कीजिए, और विटामिन सी की कमी को जो है पूरा कीजिए। गर्मियों का सीज़न है, अपने बॉडी का जो है ख्याल रखिए, और बस आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।